दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दी लेलन बॉयज़ को। तो अभी हम लोग बैठे हैं शहीद पार्क में। शहीद पार्क के वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे रक्तदान के लिए। आज है 14 फरवरी 2021 और आज से 2 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था। आतंकियों का जो अटैक हुआ था, एक काफिला जो कि हमारा भारतीय सैनिक का जा रहा था, उसमें से एक बस पर अटैक हुआ था जिसमें 40 लोग समथिंग शहीद हो गए थे। 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो इसी के रिगार्डिंग, जैसे इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज रक्तदान करेंगे। जी हाँ, आज कहा जाए तो वैलेंटाइन डे भी है, बट हम लोग वैलेंटाइन डे का बहिष्कार कर रहे थे भाई। तो हम लोग निकलेंगे अभी रक्तदान के लिए महारानी अस्पताल में, जो कि अभी आप देखेंगे वहाँ पर जाने के लिए हम लोग कैसे करते रक्तदान यहाँ पर। और फिलहाल हम लोग शहीद पार्क में हैं और शहीद पार्क का अपनी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा है, तो जाके देख ले वहाँ पर। और चैनल पे अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है, मेरे फेसबुक पे भी आता है और व्हाट्सएप पे भी आता है कि भाई आप डेली कंटिन्यूटी वीडियो क्यों डाल रहे हो। मैं बता दूं भाई कि सुबह 8 से शाम 7-8 बजे तक जब मैं जॉब करोगे ना, तो फिर वीडियोज़ लाना तो मुश्किल, एडिट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सॉरी इसके लिए कि मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, और जॉब के बाद भी वीडियो आती है। तो अब ये तभी हो पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग अपना कृपा दे दो मुझ पर। कृपा मतलब पैसे रुपए तो नहीं मांग रहा हूँ। उस वीडियो को देखो, दबा के शेयर करो, और कम से कम जितना भी ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फेसबुक ग्रुप, सभी को शेयर करो। इससे क्या होगा, व्यू बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ अर्निंग होगा, तो फिर मुझे जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी जॉब करना पड़ रहा है और जॉब के बाद ही मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं महारानी अस्पताल, और जो कि जगदलपुर का महारानी अस्पताल ही एक है जहाँ पर आप आगे कोविड टेस्ट करा सकते हैं। बहुत सारा लोगों को नहीं पता है। और दूसरा है डिमरापाल में, तो डिमरापाल में जाकर करा सकते हैं। तो कोविड कुछ खास नहीं रहा। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं आज चश्मा लगा के आऊँ, जहाँ चश्मा मुझे एक हफ्ते से लगा है, एक हफ्ते में इनका भी नाम है भाई, दोनों चश्मे से हो गए हैं। और जो जो मुझे पेज से जान रहे, जो मुझे व्हाट्सअप से जान रहे, जो मुझे इंस्टाग्राम जान रहे, उनको पता है कि मैं चश्मा लगाता हूँ। तो यार लोगों देखो साइड में आ रहा नहीं, कहीं इधर पे लोगों आता होगा, तो लोगों से मैच करके चश्मा, तो वही मैंने चश्मा यूज़ किया है। फिर चलते हैं रक्तदान के लिए और भाई का रक्तदान कराते हैं, और करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। इसी जगह मिलेंगे, यहीं पे, इसी प्लेस पे मिलेंगे। कैसा फील कर रहे हो? अभी तो अभी गया ही नहीं है। तो देखिए यहाँ मनीष भाई हमारे रक्तदान करते हुए, और अब प्रेस करना, धीरे धीरे प्रेस करना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते रहिए, हल्का फुल्का ऐसे ऐसे। हाँ बस आज आप रक्तदान किए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमको गाली जरूरत नहीं दे रहे ना कि हम पकड़ के लाए हैं आपको। कितना बार कर चुके अब तक? ये मेरा फर्स्ट बार है। आज है 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइन डे पे कर रहे हैं या फिर कुछ और रीजन है? ये क्या बोल रहे हो? आज 14 फरवरी है, भूल गए उन्होंने हमारे शहीदों के याद में। अच्छा, तो आपने, तो ये है ब्लड बैंक, देख सकते हैं रक्त संग्रह कक्ष, और यहाँ पे आपका पंजीयन फॉर्म भराएगा यहाँ पे ये। और ये पैथोलॉजी लैब है। जी हाँ, ये पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पे आज संडे है, तो ये ब्लड बैंक गेट है, संडे है तो भीड़ नहीं होती और लोग यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो मनीष भाई अभी रक्तदान इन्होंने अंदर किया है, और अच्छा ब्लड डोनेट करने के लिए कहा भाई। कैसा लगा करके? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने रक्तदान कर दिया है, और हम लोगों ने मनीष भाई ने रक्तदान किया है, और इनका कंफर्म था कि AB पॉजिटिव है। फिर भी मैंने वहाँ पर जांच कराया, और आपने अस्पताल का सीट देखा था, काफ़ी ज़्यादा नया बना है। और जो कहते हैं ना, जो हम यहाँ जहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेट, जो बेड होता है वो बेड उनके पास फिलहाल नहीं था जो भी मिला है। तो मेरा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर छत्तीसगढ़ सरकार के पास जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम वो बेड दें, ताकि लोगों को रक्तदान करने में सहूलियत हो। और फिलहाल मैं इनसे पता करी, तो इनका कहना था कि स्वेच्छा से रक्तदान के लिए शायद ही कोई आता है, क्योंकि यहाँ पर जो सब रिप्लेसमेंट नहीं दे पाते, तो स्वेच्छा से रक्तदान कहाँ कर पाएंगे। तो आज जो रक्तदान हुआ था वो 1 यूनिट AB पॉजिटिव का था, और डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल लिखा हुआ है क्या चीज़ का था क्या नहीं था। फिर मैं बता दूं कि जो मैंने अपने शुरू में इंट्रो में देखा था,
कि 14 फरवरी, हाँ जी आज 14 फरवरी है, वीडियो शायद कल जाए, मे बी, तो उसका पूरा नहीं मानने का है क्योंकि थोड़ा वक्त की कमी और शाम अभी ही हो गया, तो शायद मैं एडिट ना कर पाऊँ, फिर मैं कोशिश है कि मैं फटाक से एडिट करूँ और आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। 14 फरवरी को आज से 2 साल पहले पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए मनीष भाई पिछले 1 महीने से पहले ही से बोल चुके थे कि मैं रक्तदान करूँगा, क्योंकि हर बार तो मैं ही हो जाकर के आता था। तो मेरे साथ बैठे हैं मनीष भाई, उनसे हम जानेंगे कि रक्तदान करने के बाद उनका जो फीलिंग था कैसा था, और बहुत से लोग मंद बुद्धि लोग कहते हैं कि रक्तदान करने के बाद कमजोरी हो जाता है और हम गिर जाते हैं, वजन घट जाता है, वजन बढ़ जाता है, या फिर क्या बोलता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इनकी जुबानी सुनते हैं। तो भाई मनीष भाई बैठे हैं मेरे पास में, चलिए इनसे पूछते हैं कि कैसा फीलिंग हुआ भाई रक्तदान को किया, क्या क्या फीलिंग हुआ। हाय फ्रेंड्स, क्या क्या फीलिंग हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा। नहीं भाई दिखाओ कहाँ किए, ये भी दिखा दो ना, नहीं तो लोग कहेंगे किए कहाँ पे। देखिए ये रहा रक्तदान हुआ यहाँ पे, और 350 ml ब्लड आपका लिया जाता है, और मैं बता दूँ कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है वो प्रत्येक 4 महीने में रक्तदान कर सकते, सॉरी 3 महीने में रक्तदान कर सकते, साल में 4 बार। तो मनीष भाई का आज 14 फरवरी का था, तो आज इनका पहला रक्तदान था, प्रथम था। भाई इतना लेट क्यों हो गए? शायद अभी 21 साल उम्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या फील हुआ देने के बाद? मुझे बेटा बहुत अच्छा लगा। देने के पहले बहुत अच्छा लगा। डर वगैरह कुछ? कुछ नहीं। बहुत सारे कहते हैं कि यार देने से कमजोर हो जाते हैं। नहीं भाई, ब्लड देने के 1 घंटे के बाद ये मेरे पास बढ़ा, हम लोगों ने दवा के खाए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग शुरू से भी खाते हैं, जगदलपुर जब भी आते तो खाते हैं। भाई ने ब्लड दिया तो फर्ज बनता है खिलाना मेरा तो, मैं तो भाई किसी का भी ब्लड में मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लोग रक्तदान करते हैं तो अच्छा लगता है। तो और भी कुछ ऐसा लगा था कि ब्लड देने के बाद हम कमजोर हो गए थे, या फिर आगे का फ्यूचर कुछ ऐसा? चल हम लोग पार्क में बैठे तो नॉइज तो आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ब्लड बैंक किसी थी, कैसी थी कंडीशन? तो गुड थी, बट बेड का कंपलसरी होना जरूरी है, क्योंकि पाँव जो थोड़ा सा ऊपर होता है तो ब्लड देने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बाकी सब कुछ ठीक था। ब्लड बैंक की नया बना, अस्पताल काफ़ी छोटा जगदलपुर है, क्योंकि थोड़ा सा रूरल एरिया में ही पड़ता है। और फिलहाल हम लोग पार्क में वापस दोबारा ही आए थे, क्योंकि इंट्रो हमने यहीं भी शूट की थी, तो हमने सोचा कि हम लोग को 7 बजे तक यहाँ रुकना है, तो आगे कब करना है? जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा और भाभी छोड़ के रखेगी, अब शादी हो जाएगा, जब तक इन बाजुओं में दम रहेगा, राजपूत खून है भाई, कॉल रहा है, तब तक देता रहूंगा क्या ब्लड? देखिए हम पूछना जरूरी है, देता रहूंगा क्या तो ब्लड, थोड़ा कॉमिक भी जरूरी है। तो हमने एक पोलिंग भी किया था कि वल्गर अनबॉक्सिंग करें क्या, देखो वीडियो मैंने शूट कर रखी है, वल्गर बोले तो मैं भी फटेहाल स्थिति में हूँ, और मेरे जो साथ बैठे उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा फटेहाल है, तो आप लोग बताओगे तो अनबॉक्सिंग करूँगा और वीडियो डाल दूँगा। तो भाई पहला रक्तदान था, काफ़ी पहले अच्छा लगा, और मतलब इच्छा कहाँ से जगी? इच्छा क्या, इच्छा मुझे देख के जगी, सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने ब्लड डोनेट किया था जिसको मैंने देखा। अच्छा, और देखने के बाद मेरे अंदर भी वो खुजली हुई नहीं, वो मेरे को, मैं तो खुजली बोलता हूँ कि उसको खुजली हुई, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कमजोर हो जाएंगे मत दो, बहुत के पेरेंट्स ही मना करते हैं यार। मेरे अंदर वो जज्बा और जज्बात मुझे इतना कचोटने लगा कि नहीं, तुम भी एक राजपूत है। 14 फरवरी को क्या ऐसा है कि आज ही कर दिए भाई, और भी दिन नहीं था ना, शायद भाभी ऐसा कुछ नहीं। भाई हमारी दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। अच्छा, पहले क्या थी? पहले मेरी दुनिया थोड़ा कुछ रंगीन हंसी, समझ रहे हो ना। बाकी अभी के दुनिया थोड़ा सा मोमेंट चेंज हो गया है। पार्क में भी इसलिए बैठे हुए हैं कि दुनिया फिर से रंगीन हो जाए। भाई इसलिए बैठा हुआ है, बट हम लोग ठहरे अखंड सिंगल। अखंड राजपूत अखंड सिंगल पढ़े। चलिए फिर बातों को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, और आप लोग भी रक्तदान करें और रक्तदान कराएं, लोगों को जागरूक करें कि वो कम से कम किसी भी शुभ अवसर पर रक्तदान जरूर को। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी संस्था आयुष फाउंडेशन का 23 मार्च को एक महारक्तदान शिविर है। जी हाँ, ये रक्तदान शिविर ऑल इंडिया लेवल पर रहेगा, हर स्टेट हर जिले में ये रक्तदान होगा, और उसमें रक्तदान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें और अपने रजिस्टर्ड पहले से करा दें, और जो जो बंदे रक्तदान करेंगे उनको हो सकता है क्या, मे बी 100% श्योर है कि वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम जाएगा और उनको वहां से भी प्रमाण पत्र आएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले पे मैंने डाल रखा है कि आपको भगत सिंह जी, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह और शहीद का लोगों को जो फांसी हुई थी ना, तो उस रिगार्डिंग ये कैंप रखा गया है। तो सारे जितने भी 23 मार्च को फांसी हुई थी
राजगुरु भगत सिंह उनके परिवार से कोई ना कोई एक सदस्य का सिग्नेचर रहेगा और डिस्प्ले पे शायद अभी आ रहा हो किनका रहेगा। और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी और है कि आपको सोनू सूद, कैलाश खेर, एक दो और है रणदीप हुड्डा इत्यादि जैसे स्टार के लोगों का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उस दिन जरूर रक्तदान करें। हमारा टारगेट है कि आप आएँ और रक्तदान जरूर करें और वो मोमेंट को आप हासिल करें, क्योंकि वर्ल्ड स्टेट लेवल पे पूरे नेशनल लेवल पे ये कैंप है 23 मार्च को। याद रखना, आयुष फाउंडेशन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके कॉल करिए। चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता है आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, और रक्तदान करें और कराएं और प्रेरित करें, क्योंकि मेरा भी टारगेट है कि लोग आगे बढ़े और रक्तदान करने को, क्योंकि आज पता चला कि जगदलपुर में स्वेच्छा से रक्तदान करने कोई नहीं आता और काफ़ी रूरल एरिया भी, अस्पताल भी कोने पड़ता है। चलिए फिर ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ लंबे अंतराल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।